दोस्तों बहुत सारे लोग अपने YouTube चैनल या फिर अपने किसी भी स्टोर या फिर अपनी वेबसाइट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक 3D लॉगो बनाना ज़रूर चाहते हैं, और उनको पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से एक 3D प्रोफेशनल लॉगो बनाएं। तो आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उससे आप 3D प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं। इजी प्रोसेस है, काफ़ी इजी तरीके से आप मैं जो स्टेप बता रहा हूं उन स्टेप को फॉलो करके अपने लिए लोगो बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो को बनाने में, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक कर देना। और चैनल पर अगर ये कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और हमारी आने वाली वीडियो भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक बदलाव लाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ कि मैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला हूँ लोगो बनाने के लिए वो आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो पहली बात तो मैं कैनवा नाम की एक वेबसाइट का इस्तेमाल करूँगा और अपने कंप्यूटर से ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा। लेकिन अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर कैनवा नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा जो मैं कंप्यूटर पर दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, यानी कि एक डेमो लोगो बनाऊंगा, उसके बाद उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं पिक्सेल लैब नाम की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूँगा। तो वो एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी, डाउनलोड वहाँ से कर लेना। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे आप एक 3D प्रोफेशनल लोगो बनाएंगे। तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना गूगल ओपन कर लूँगा। ठीक है, जो भी हमारा गूगल ब्राउज़र होता है उसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है कैनवा। ठीक है, तो मैं कैनवा यहाँ पर पहले ही मैंने कर रखा है कैनवा सर्च, तो आपको कैनवा सर्च करना है। उसके बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी फ्री डिज़ाइन टूल नाम से, इस वेबसाइट को हमें ओपन करना है। आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगी, या फिर आप ठीक है इंटरनेट के माध्यम से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही कर सकते हैं। तो इस टाइप की एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, काफ़ी शानदार वेबसाइट है, कई तरीके के लोगो आपको ठीक है पहले से बने बनाए दे देती है, बस आपको अपना नाम डालना है और आपका लोगो हो जाएगा। लेकिन हम प्रोफेशनल लोगो बनाएंगे तो मैं देखो कैनवा का भी इस्तेमाल करूँगा और इसके अलावा पिक्सेल लैब नाम की एप्लीकेशन होती है जो ज़्यादातर यूट्यूबर की फेवरेट होती है, उसका भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो ये ऊपर सर्च योर कॉन्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। जिस भी टाइप का आप लोगो बनाना चाहते हो बस उस टाइप का नाम डाल के सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने फोटोग्राफी लोगो है, टेक्नोलॉजी लोगो है, गेमिंग लोगो है, पबजी गेमिंग लोगो है, तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने गेमिंग लोगो सर्च किया तो देखो पबजी गेमिंग लोगो, गेमिंग लोगो, फ्री फायर गेमिंग लोगो, इस तरीके के बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के जो लोगो हैं वो पहले से यहाँ पे बने हुए होते हैं। ठीक है, तो चलो हमारा तो कंटेंट मैं आज आपको बताऊंगा फोटोग्राफी लोगो, तो मैं फोटोग्राफी लोगो पे क्लिक करके सर्च करता हूँ तो फोटोग्राफी लोगो पहले से बहुत सारे इसके अंदर बने हुए हैं। आप देख सकते हो हज़ारों की टाइप्स में फोटोग्राफी लोगो पहले से यहाँ पर बने हुए हैं, आपको बस जो भी पसंद आता है उस पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पे कोई भी एक लोगो देख लेते हैं जो हमें ज़्यादा पसंद आएगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो ये वाला लोगो मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो हमें दो लोगो, एक लोगो पे हमें काम करना है, दो लोगो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, एक का बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा, एक का वाइट रहेगा, और एक में जो ये लोगो है ये ब्लैक कलर में रहेगा और दूसरे में ये लोगो वाइट कलर में रहेगा। चलो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखो ये लोगो आ जाएगा, एक लोगो यहाँ पे है, दूसरा लोगो नीचे है, तो दोनों लोगो ऑटोमेटिक बनेंगे। तो सबसे पहले तो देखो लोगो हमें पसंद आया तभी हमने यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे हम लोगो में नीचे हम अपना नाम डालेंगे, जो हम अपने स्टूडियो का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे मुझे किसी ने लोगो बनाने के लिए बोला है तो चलिए मैं यहाँ पे बना देते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। नीचे फोटोग्राफी ओके है, एवन स्टूडियो फोटोग्राफी, ठीक है, तो ये लोगो रहने देते। इसके बाद मैं क्या करूँगा इसका जो, ठीक है, ये वैसे अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये अच्छा है फॉन्ट, लेकिन इस फॉन्ट को मैं चेंज करूँगा तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं ये वाला फॉन्ट ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, बेटर फॉन्ट है, अच्छा फॉन्ट है, तो मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये फोटोग्राफी इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। चलो दोनों का फॉन्ट थोड़ा अच्छा रखते हैं ताकि अच्छा लगे ये, ठीक है, प्रोफेशनल लोगो लगे। तो ये वाला हो गया, यहाँ से इसको आप क्या कीजिए इस तरीके से क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और नीचे वाला जो ये है इसमें आप यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दीजिए, बस इतना सा काम आप ये कर लीजिए। उसके बाद एक और है यहाँ पे ये वाला, तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिए, कॉपी कर दीजिए और नीचे वाले में ले जाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी कर दिया। अब दोनों का फॉन्ट यहाँ पे चेंज है तो यहाँ पर भी फॉन्ट वापस वही करते हैं, ये वाला, ठीक है, ओके हो गया। अब देखो हम दोनों का हमने आपको बता दिया,
अब एक चीज़ और है यहाँ पे, जो ये वाला लोगो हम मेन रूप से यूज़ करने वाले हैं अपने सभी कामों में, तो इसको 3D में बदलना है। तो सबसे पहले इसका कलर चेंज करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे कलर चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। कलर आपको हमेशा गोल्ड रखना है, ये वाला कलर, ठीक है, आप ये रख सकते हो, या फिर मेरे पास एक कलर कोड है तो मैं वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कलर कोड है मेरे पास, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये कलर कोड आ गया। ये वाला कलर हमें रखना है, ठीक है, थोड़ा डार्क है इसको रखना है, यहाँ पर भी ठीक है कलर अप्लाई कर देना है यही वाला, और जितना भी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करने वाले सभी में कलर ये सेम रखना है, ठीक है, जैसे मैं रख रहा हूँ। तो इस तरीके से ये लोगो 3D बनाने में काम आएगा। अभी देखो लोगो ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है, मुझे पता है, तो अब क्या करेंगे, नीचे वाला ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं, कोई इसमें ज़्यादा शेड शाड नहीं करते, ऊपर वाला हमारा मेन लोगो रहेगा। अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा अपने मोबाइल में, ठीक है, कंप्यूटर में चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, चेयर पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके बैकग्राउंड, और इसको थोड़ा सा बढ़ा के डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो डाउनलोड इजीली हो जाएगा। चलिए अब मैं मोबाइल में बाकी प्रोसेस बताता हूँ इसको 3D लोगो में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मैं आगे का प्रोसेस मोबाइल में बताता हूँ, तो अब मैं कैनवा को वापस मोबाइल में ओपन करता हूँ। देखो मेरे कंप्यूटर में जो फाइल बनती है वो मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, और तो यहाँ पर जो मैंने कंप्यूटर में लोगो क्रिएट किया था वो मेरे मोबाइल में आ चुका है। अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा, तो डाउनलोड करने के लिए वापस मोबाइल में वही प्रोसेस जो कंप्यूटर में मैंने बताया वही फॉलो करूँगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा दूंगा, इसको ट्रांसपेरेंट पे करके डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में अब आपको आगे दिखाऊंगा कि इसी लोगो को हम 3D में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोगो देखो डाउनलोड हो चुका है, अब कैनवा का जो काम है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पिक्सल लैब नाम की जो एप्लीकेशन होती है सभी यूट्यूबर को पता है, प्ले स्टोर में मिल जाएगी पिक्सल लैब नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड लाना है, बैकग्राउंड अट्रैक्टिव होना चाहिए, और जो मैं बैकग्राउंड यूज़ करूँगा वही अगर आप करेंगे और गोल्ड कलर का जो लोगो होगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता दूँ, आप कहीं पर भी गूगल में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए लोगो ब्लैक, ठीक है, बैकग्राउंड, इसको सर्च कर लीजिए, उसके बाद बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके ऊपर लोगो पहले से हैं, तो हमें कोई ऐसा देखना है जिसके ऊपर लोगो नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक, ठीक है, ये मिला, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर बहुत सारे इस टाइप से होंगे बैकग्राउंड, जैसे ये वाला हो गया, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, आप कर सकते हो किसी भी टाइप का एक बैकग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, तो किसी को भी आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत सारे हमने डाउनलोड कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज लेनी है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने एक इमेज ले ली है, बैकग्राउंड लोगो देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बड़ा करके भी इस लोगो को दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अभी लोगो डाउनलोड किया उसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो ये गोल्ड वाला है, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि ये मतलब बेटर दिखे, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रख देते हैं 20 में, ठीक है, सेंटर में। उसके बाद इसको राइट पे क्लिक करते हैं, अब ये यहाँ पे आ गया है आप देख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो इसको सेंटर में भी ले लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, सेंटर में मैंने ले लिया, अब ये ज़्यादा अट्रैक्टिव तो है नहीं, आपको भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ उससे ये लोगो बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले लोगो पे क्लिक कर देना है, यहीं पर रहना है नीचे तीसरे नंबर के ऑप्शन पर, और उसके बाद सबसे लास्ट में जाना है, ये जो इनबॉक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। इसको इनेबल करने के बाद ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से ज़्यादा बड़ा ही रखना है, छोटा नहीं रखना है, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इसको कम करना है, ठीक है, इसको आप जितना कम रख सको इतना कम रखने की कोशिश करो, ठीक है, 7-8 पे रखो। उसके बाद ये जो है इसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हो ताकि ये कलर है इसका वो थोड़ा बेटर रह सके, और इसके अलावा यहाँ पर आप इनको भी बड़ा सड़ा के, ठीक है, छोटा ज़्यादा करके देख सकते हो, ठीक है, तो ऐसे इसको करना है आपको, और ये जो है इसको भी आपको बड़ा सड़ा के देख लेना है। चलो तो मैं इसको यहीं पर रखता हूँ, चलिए अब इतना हो गया है, इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3D शेप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है, और इनेबल करने के बाद इसको कम करना है, ठीक है, नहीं तो ये लोगो आपका बहुत ख़राब दिखाई देगा, तो इसको कम करना है, और जैसे मैंने यहाँ पे एक पे कर दिया इसको, या फिर आप बिल्कुल इसको कम ही रख सकते हो, ठीक है, एक पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो डार्क है इसको भी आप बढ़ा सकते हो, इस तरीके से घटा भी सकते हो, तो डार्क को बढ़ाना है थोड़ा सा ताकि ये अच्छा रहे, और इसको आप अगर 3D में वगैरह करना चाहते हो रोटेट इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ से इस तरीके से नहीं करूँगा। अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से देखो 3D में इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हम लोगो बना रहे हैं,
तो इस तरीके से रहने देते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें आप बड़ा सड़ा के देख सकते हो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो अब देखो लॉगो लगभग 3D में भी क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं इसको राइट पे क्लिक करता हूँ। अब थोड़ा सा लॉगो हमारा बैठ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे पता है। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेंटर में, ताकि ये थोड़ा बेटर लग सके। तो ये थोड़ा हो चुका है लॉगो। अब इसको करते हैं डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करना है आपको यहाँ पे PNG में, और उसके अलावा यहाँ पे डिफॉल्ट में अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने 3D प्रोफेशनल लॉगो बनाया है। सबसे पहले तो मैंने कैनवास से डेमो बनाया, और उसके बाद उसको पिक्सल लैब में ले जाकर मैंने एक प्रोफेशनल लोगो का रूप दे दिया। यानी कि वो लोगो कैसा बनाया आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इधर या इधर मैं लगा दूंगा, तो आप उस लोगो को देख सकते हो। काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लोगो है। मुझे पता है थोड़ा वीडियो की वजह से आपको थोड़ा धुंधला भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ये लोगो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में है और अच्छा लोगो बन चुका है। तो ऐसा ही लोगो आप बना सकते हो। अब मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको लोगो नहीं बनाना आता होगा, ठीक है, या फिर नहीं बना सकते, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 50 रुपये लेता हूं और उसके बाद उनको लोगो बना के देता हूं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर रहेगा, अगर आप बनाना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग इसी तरीके की वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।